अगर आप पनीर की एक ही सब्जी खा के बोर हो चुके हैं ना, तो ट्राई कीजिए पनीर भुर्जी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही इंस्टेंट और क्विक रेसिपी है। पनीर की सब्जी बनाने में ना हमें बहुत टाइम लगता है, तो एक बार आप पनीर भुर्जी ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा किचन्स मैजिक। मैं हूं पूजा, नमस्ते। सबसे पहले हम यहाँ पे पनीर लेंगे। यहाँ पे मैंने 350 ग्राम पनीर लिया हुआ है और इस पनीर को ना मैंने घर पे बनाया हुआ है। ये देखो कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना हुआ है। इसको हम दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो मार्केट वाला पनीर जो है यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ग्रेट नहीं करना है तो आप इसे मैश करके भी पनीर की भुर्जी बना सकते हो। ये देखो हमारा पनीर जो है ना ग्रेट हो चुका है। इधर हम एक पैन को गैस पे रखेंगे, उसमें 2 क्यूब्स बटर का ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े साइज का कटा हुआ अनियन ऐड करेंगे, यानी प्याज। इसे हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन है ना दूर हो जाए। इसे ब्राउन नहीं करना है बस। ये देखो प्याज जो है ना हमारा ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे इसे ग्रेट करके यूज़ किया है। 2 ग्रीन चिली ऐड करेंगे और इसे भून लेंगे। ग्रीन चिली की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए अदरक लहसुन हमें अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, यानी टमाटो। टमाटर के डालते हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि टमाटो जो है हमारा जल्दी से गल जाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/3 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करके हम तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों से ऑयल जो है ना सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे तरह से भुन चुका है। अब हम इसे 3 बड़े चम्मच कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 3 बड़े चम्मच इसमें हम ग्रीन पीस ऐड करेंगे, यानी हरा मटर, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। 2 बड़े चम्मच इसमें हम दही ऐड करेंगे, यानी कर्ड, और इसे हम गैस पे से हटा देंगे, फिर से मिक्स करेंगे। कभी कभी ये होता है ना कर्ड हमारा फट जाता है, दही हमारा फटे नहीं, इसके लिए आप गैस पे से इसे हटा के मिक्स करो। मिक्स करने के बाद फिर से फ्लेम पे रख दो। ये देखो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम जो पनीर को ग्रेट किया हुआ था इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा लिक्विडी खाना है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये देखो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, और सभी चीज़ों को मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर देंगे। एक छोटा क्यूब इसमें बटर का ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट ना और इन्हेंस हो जाए। ये देखो हमारा बहुत ही टेम्पटिंग और यमी जो है हमारा ना पनीर भुर्जी बनके तैयार हो चुका है। इसे गर्मा गर्म सर्व के जो रोटी, चपाती, राइस और पाव और ब्रेड के साथ जो बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। आप इसका सैंडविच भी बना सकते हो। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल पर और भी पनीर की रेसिपी है, आप जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।